जिला कुल्लू में बीते दिनों अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने कहा कि विभिन्न विभागों को 45 करोड़ 22 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि त्रासदी में समेज गांव में प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन क्षतिग्रस्त होने के अलावा प्राथमिक स्कूल लाधी और गड़सा को भी क्षति पहुंची है। उपायुक्त ने कहा कि बाढ़ से 13 करोड़ 51 लाख रुपए की निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसमें समेज, बागीपुर और केदस में 33 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जारी तहसील में मलाणा और बलाधी चौकी व पोहो गांव में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैनुअल के हिसाब से प्रभावित परिवारों को राहत वितरित की जा रही है। कुछ एरियाज में अभी असेसमेंट जैसे जारी में ऑनगोइंग है। इसमें बहुत ज्यादा लॉस हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ है, जहां में समेज में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोनों कम्प्लीटली चले गए हैं। कुल्लू ब्लॉक में बलादी का प्राइमरी स्कूल फुल्ली डैमेज्ड है और ऐसे और भी स्कूल्स की लॉस रिपोर्ट्स हैं। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल डैमेजेस हैं उसमें हाउसेस का मैं बताना चाहूँगी आपको कि निर्मल ब्लॉक में 3 लोकेशन में समेज, केदस और बागीपुल में मिला के 31 हाउसेज फुल्ली डैमेज्ड हैं या जो बह गए हैं। और हमारे 33 हाउसेज डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पार्शियली डैमेज रिपोर्ट हैं, जिसमें से 30 निर्मल के हैं इन एरियाज के और 3 बुंदर के हैं। इसके साथ साथ जो जरी में है, जैसे मैंने आपको बताया अभी रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से उनका फाइनल आकलन नहीं हो पाया है। जो इंडिविजुअल लॉस है उसका टोटल ऑलमोस्ट 13.51 करोड़ का एस्टिमेशन है लॉस का।